हेलो एवरीवन। तो आज हम रिस्ट एक्स रिव्यू की बात करेंगे कि रिस्ट का एक्स रिव्यू क्या होता है। तो पहले बात आती है रिस्ट पीए व्यू की, पोस्टीरियर एंटीरियर। रिस्ट पीए इज़ यूज टू व्यू द कार्पल्स बोन्स। मतलब क्या, जो रिस्ट पीए हम व्यू करते हैं एक्सरे के अंदर, वो कार्पल्स बोन को डिटेक्ट करने के लिए होता है हमारा। कार्पल्स बोन्स कौन सी होती है? जो आपकी रिस्ट की बोन होती है, रिस्ट की बोन को हम कार्पल्स बोन बोलते हैं। इंडिकेशन क्या रहेंगी उसकी? फ्रैक्चर, बोन डिसलोकेशन। फ्रैक्चर आपका कॉमनली हर एक में मेन हो जाता है एक्सरे के अंदर। फ्रैक्चर, बोन डिसलोकेशन, अर्थराइटिस, बोन सिस्ट, इन्फेक्शन या कैंसर। कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम रहेंगी आपकी, मतलब प्रेगनेंसी वगैरह। कॉन्ट्राइंडिकेशन तो आपके हर एक में सेम है। पेशेंट पोजिशनिंग, द पेशेंट इज सीटेड अलोंग साइड द टेबल विद द अफेक्टेड साइड नियरेस्ट टू द टेबल। मतलब पेशेंट अलोंग साइड होगा टेबल के, और जो उसके अफेक्टेड साइड है, मतलब जिस भी उस रिस्ट में उसको पेन है या समथिंग कुछ भी है, तो वो उसके नियरेस्ट टू द टेबल हो जाएगी। एल्बो जॉइंट इज फ्लैक्स 90 डिग्री। मतलब जो आपका एल्बो जॉइंट है वो फ्लैक्स्ड होगा 90 डिग्री। एंड आर्म अब्डक्टेड एंड पाम ऑफ द हैंड नियरेस्ट रेस्ट ऑन द टेबल। मतलब आपका जो पाम सरफेस है ये हैंड का, ये क्या होगा? रेस्ट ऑन द कैसेट, मतलब जो कैसेट के टच में होगा। इंक्लूड द लोअर पार्ट ऑफ रेडियस एंड अल्ना एंड प्रोक्सिमल टू थर्ड पार्ट ऑफ मेटाकार्पल्स। मतलब क्या है, आप कितना आपको पार्ट है जो आपकी रिस्ट का वो कितना इंक्लूड करना है आपको, वो बताया हुआ है इसमें कि रेडियस और अल्ना लेना है, लोअर पार्ट लेना है बोन का, और प्रोक्सिमल टू थर्ड पार्ट ऑफ मेटाकार्पल्स। टू थर्ड मेटाकार्पल्स मतलब जितने भी आप जो आपके मेटाकार्पल्स है, जो ये वाले मेटाकार्पल्स है, इनका टू थर्ड पार्ट लेना, मतलब यहाँ से लेके आपको रिस्ट तक कवर करने है, मतलब यहाँ से शुरू करना है आपको। इसके बाद द रेडियस और अल्ना स्टिलोइड प्रोसेस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द कैसेट। मतलब आपके जो रिस्ट का ये स्टिलोइड प्रोसेस होता है वो आपके इक्वी डिस्टेंस होगा, मतलब ये आपको पूरा इक्वल रखना है कैसेट के ऊपर एज इट इज़। ऐसे सैंडबैग्स इज यूज्ड इफ़ रिक्वायर्ड। मतलब सैंडबैग आपको यूज़ करना है तो करिए, मतलब अगर आपको रिक्वायरमेंट लग तो आप यूज़ कीजिए, वरना नहीं। टेक्निक फैक्टर KVP MS। KVP आपको कितना रखना है? 55 to 60, ये अकॉर्डिंग टू CR बता रही हूँ मैं आपको। MS हो जाएगा आपका 10 to 12। ग्रिड नो, क्योंकि ग्रिड हमेशा सॉफ्ट टिश्यू की स्टडी के लिए करते हैं हम। कैसेट साइज आपका 10 to 12 में आपकी रिस्ट कवर हो जाती है। और सेंटरिंग की बात करें तो स्टिलोइड प्रोसेस बिटवीन आ जाएगा, मतलब जो ये स्टिलोइड प्रोसेस होता है हमारा, इसके बिटवीन में, मतलब इस यहाँ पे कर देंगे हम बिटवीन स्टिलोइड प्रोसेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटरल पोजिशन ऑफ रिस्ट। मतलब रिस्ट का ये अलग व्यू होता है लेटरल, मतलब हर एक पार्ट का हम AP लेटरल ओब्लिक ऐसे ऐसे व्यू करते हैं, तो ये आपका लेटरल पोजिशन ऑफ रिस्ट, ये लेटरल व्यू है आपका रिस्ट का। तो इसकी इंडिकेशन भी, मतलब सबकी इंडिकेशन अलग अलग होती है कि ये व्यू हम क्यों कर रहे हैं, तो इंडिकेशन का मतलब वही होता है। इंडिकेशन ट्रोमा केसेज, सस्पेक्टेड फॉरन बॉडीज, इंजरी ऑफ डिस्टल रेडियस अल्ना। मतलब जो रेडियस और अल्ना होती है, उनका जो डिस्टल पार्ट होता है ये वाला, तो उनकी भी लिए भी करते हैं। और ये हमारा फ्रैक्चर। पोजिशनिंग की बात करें तो फ्रॉम द PA पोजिशन द रिस्ट इज एक्सटर्नली रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। मतलब जो आपकी PA पोजिशन थी रिस्ट की ऐसे, तो उसको मतलब एक्सटर्नली रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, मतलब उसको एक्सटर्नली रोटेटेड करना है आपको ऐसे बाहर की तरफ, वो भी 90 डिग्री। तो उससे क्या होगा, जो आपकी पाल्मर सरफेस ऑफ हैंड एडजस्टेड वर्टिकली, मतलब जो आपका हैंड होगा तो वो आपका वर्टिकली एडजस्टेड हो जाएगा ऐसे। इंक्लूड द एरिया लोअर पार्ट ऑफ रेडियस अल्ना एंड प्रोक्सिमल टू थर्ड पार्ट ऑफ मेटाकार्पल्स। इसमें भी सेम वही लाइन है कि आपको टू थर्ड मेटाकार्पल्स कवर करना है। द रेडियस और अल्ना स्टिलोइड प्रोसेस आर सुपर इम्पोज्ड। मतलब जो आपका रेडियस और अल्ना होती है, दो बोन होती है आपकी रेडियस और अल्ना, तो क्या करेंगे ऐसे हो जाएंगे, तो सुपर इम्पोज करेंगी एक दूसरे के ऊपर, तो वही है बस। सैंडबैग्स आपकी इफ़ रिक्वायर्ड तो नीड है तो आप यूज़ कीजिए, वरना जरूरत नहीं होती है। सेंटरिंग की बात करें तो एट द लेवल ऑफ द स्कैफोल्ड प्रोसेस, क्योंकि जो आपकी ये वाली कार्पल्स की ये वाली बोन होती है उसका नाम स्कैफोल्ड होता है, तो एट द लेवल ऑफ द स्कैफोल्ड, मतलब इसके ऊपर ही सेंटरिंग आ जाएगी आपकी एक्सरेज की। SID की बात करें तो वो आपकी 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। सोर्स इमेज डिस्टेंस, मतलब पेशेंट और आपके जो इमेज, मतलब एक्सरेज, उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। और कैसेट साइज वगैरह और आपका जो KVP MS होगा वो आपका सेम ही रहेगा हर प्रोसेस में, मतलब डिश का जो मैंने बता रही हूँ, मतलब इसमें। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कैफोल्ड अल्ना डेविएशन व्यू। मतलब ये आपका रिस्ट का स्पेशल व्यू होता है। इमेजिंग ऑफ कार्पल्स बोन इज मोस्ट कॉमनली अंडरटेकन टू डेमोन्स्ट्रेट दिस स्कैफोल्ड। मतलब क्या है, इमेजिंग ऑफ कार्पल्स बोन, मतलब जो कार्पल्स बोन होती है उनकी इमेजिंग होती है, मोस्ट कॉमनली अंडरटेकन टू डेमोन्स्ट्रेट दिस स्कैफोल्ड, मतलब मोस्ट कॉमनली स्कैफोल्ड को देखने के लिए करते हैं स्पेशल। इसकी इंडिकेशन क्या हो जाएगी, एनाटॉमिकल पोजीशन देखनी हो स्कैफोल्ड की, स्कैफोल्ड का फ्रैक्चर हो, बोन डिसलोकेशन हो, सस्पेक्टेड इंजरी हो।
प्रिपेशन की बात करें तो आपकी सेम ही रहेंगी, हर एक में मेटेलिक ऑब्जेक्ट रिमूव कराना, वियर हॉस्पिटल गाउन, कंसेंट फॉर्म साइन वगैरह। पोजिशन ऑफ पेशेंट, अब पेशेंट की पोजिशन की बात करेंगे। द पोजिशन इज सीटेड अलोंग साइड द टेबल विद द अफेक्टेड साइड नियर द टेबल, मतलब जो पोजिशन होगा पेशेंट की वो अलोंग साइड द टेबल होगी और अफेक्टेड साइड नियरेस्ट द टेबल होगी, मतलब जो पेशेंट के जिस भी रिस्ट में पेन वगैरह कुछ भी है तो आपकी नियरेस्ट हो जाएगी टेबल के। द आर्म इज एक्सटेंडेड विद द एल्बो फ्लेक्स्ड फ्रॉम फोर आर्म प्रोनेटेड, एक्सटेंडेड मतलब होता है इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू जॉइंट, और जो आपकी फोर आर्म है वो आपकी प्रोनेटेड हो जाएगी, मतलब जो आपकी फोर आर्म है ये जो आपकी मतलब वो ये स्पाइनेटेड होता है, ये हमारा प्रोनेटेड होता है, तो प्रोनेटेड हो जाएगी हमारी, मतलब द रिस्ट इज प्रोनेटेड ओवर द वन क्वार्टर ऑफ द कैसेट ऑफ एंड द हैंड इज अब्रक्टेड। फिर भाई ये जो आपकी रिस्ट है वो आपकी प्रोनेटेड हो जाएगी और वन क्वार्टर मतलब ऑफ द कैसेट एंड द हैंड इज अब्रक्टेड, अल्ना डेविएशन मतलब जो आपकी अल्ना बोन होती है, ये आपकी रेडियस, ये आपकी रेडियस होती है, ये आपकी अल्ना होती है, तो अल्ना का डेविएशन हो जाएगा इस तरीके से। हम हाथ को ऐसे करा देंगे, थोड़ा टेढ़ा करा देंगे क्योंकि ताकि इसमें अल्ना का डेविएशन आ जाए। द अल्ना और रेडियस बोथ आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द कैसेट, मतलब आपकी जो रेडियस और अल्ना बोन होती है वो आपकी इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर होनी चाहिए यहाँ से, या आप कैसेट पे हाथ को ऐसे रख रहे हो तो। सेंटरिंग क्या हो जाएगी आपकी, मिडवे बिटवीन दिस टिलोड प्रोसेस सेम रहेगी, कैसेट साइज भी आपका सेम रहेगा और एसआईडी भी आपका सेम ही रहेगा। अब बात आती है हमारी कार्पल टनल व्यू, तो कार्पल टनल इज एन एक्सियल प्रोजेक्शन, मतलब क्या होता है ये आपका कार्पल का एक्सियल व्यू भी कहलाता है, टू डेमोन्स्ट्रेट द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द स्कैफोल्ड लूनेट एंड ट्राइकेट्रियम। ये आपके रिस्ट बोन के कुछ नाम दिए जिनको स्पेशल देखने के लिए हम कार्पल टनल व्यू करते हैं। अब इसकी इंडिकेशन की बात करें तो कॉनकेविटी हो जाएगी आपकी, स्कैफोल्ड लूनेट एंड ट्राइकेट्रियम का फ्रैक्चर हो जाएगा, मतलब आपके रिस्ट बोन का फ्रैक्चर को मेन देख, मतलब डीपली फ्रैक्चर हो उसको देखने के लिए, उसका डोर्सल एस्पेक्ट को देखने के लिए होता है। पेशेंट पोजीशन की बात करें तो द पेशेंट स्टैंड विद दी देयर बैक टूवर्ड्स द टेबल, मतलब जहाँ पे टेबल होगी उसका जो पेशेंट का बैक साइड होगा वो उसके टूवर्ड्स द टेबल हो जाएगा, और पेशेंट स्टैंड हो सकता है या सीट, मतलब जो पेशेंट के ऊपर, मतलब पेशेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह से कंफर्टेबल है, सीट या स्टैंड। द कैसेट इज प्लेस्ड विद द एज ऑफ द टेबल टॉप, मतलब जो कैसेट की एडजस्टमेंट होती है ना वो बिल्कुल एच पे होनी चाहिए, जो टेबल पे जो कैसेट रखते हैं उसकी एच पे होनी चाहिए बिल्कुल। द पाम ऑफ द हैंड इज प्रेस्ड ऑन द कैसेट, मतलब जो आपकी पाम है हैंड की वो प्रेस्ड ऑन द कैसेट, कैसेट को प्रेस करेगी। विद द रिस्ट जॉइंट डोर्सी फ्लेक्स्ड इज टू अप्रोक्सीमेटली 135 डिग्री, मतलब जो आपका ये रिस्ट जॉइंट है वो 135 डिग्री फ्लेक्स्ड हो जाएगा लाइक दिस। द फिंगर आर कर्ल्ड अराउंड अंडर द टेबल टू असिस्ट इन इमोबलाइजेशन, मतलब आपकी फिंगर कर्ल्ड होंगी वो भी इमोबलाइजेशन डिवाइस, मतलब जो आपको कंफर्ट जोन के लिए आपके लिए सैंड बैग्स वगैरह लगाए जाते हैं तो उसे ही बोला गया है यहाँ। सेंटरिंग आपकी बिटवीन द पीसी फॉर्म एंड द हुक ऑफ द हैमेट मीडियली, ये पीसी फॉर्म और हैमेट आपके रिस्ट बोन होती है। स्कैसर साइज 10x12 में आपका आ जाता है, स्कैफोल्ड व्यू, कार्पोटनल व्यू, एपी रिस्ट का या लेटरल कोई भी व्यू आपका रिस्ट का 10x12 में आ जाएगा। एसआईडी आपकी 100 सेंटीमीटर, केवीपी और एमएस आपका सेम रहेगा 50-55, 10x12 एमएस हो जाएगा आपका। थैंक यू सो मच गाइस।